अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। आज का दिन अच्छा था बहुत, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि अभी सितंबर आएगा, अगस्त के आज 24 तारीख है, तो सितंबर अक्टूबर तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जैसे कि दोबारा से शुरू हो गई हो। तो मैंने कल व्लॉग बनाया था कि मैं मेके क्यों नहीं जाती। मैं मेके इसलिए नहीं जाती क्योंकि मेरे जो वालदीन हैं, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, मेरी अम्मी और मेरे मतलब अबू, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो वालदेन के बगैर मायके जाने का मुझे इतना मतलब नहीं लगता अच्छा, क्योंकि उनके साथ ही तो मायका होता है ना। भाई लोग मेरे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, लेकिन अम्मी अबू के बाद अब जाने का इतना ज़्यादा दिल नहीं करता क्योंकि वो शहर भी अलग है, सारा दिन तो सफ़र में गुजर जाता है और बच्चे भी मेरे छोटे हैं, तो ख़ास करके मेरे बेटे की वहाँ पे तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं नहीं जाती। अभी अगस्त है, जो पिछले साल अगस्त था 2023 का, उसमें मैं गई थी। अभी तक मैं नहीं गई हूँ। अभी तकरीबन एक साल होने को है, 2-3 दिन में हो जाएगा 1 साल पूरा। तो मेरा इतना ख़ास दिल नहीं करता, शादियां वगैरह भी होती रहती हैं, ये सब होता रहता है वहाँ पे क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार वहाँ पे हैं ना, लेकिन फिर भी मेरा इतना ख़ास दिल नहीं करता वहाँ पे जाने का क्योंकि मेरे अम्मी अबू ही नहीं हैं। वो होते तो मैं जाती थी, साल में एक बार जा, दो बार, कभी कभी 3 बार भी चली जाती थी, क्योंकि उनके जैसा तो अब तो पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं ना मिलने वाला, तो ये बात तो मुझे पता है। अगर वालदेन के बगैर इतना ज़िंदगी में वही होता जो वैसे होता है, तो उनके गुजरने पे बेटियां इतना थोड़ी रोती। तो बस इसलिए मैं नहीं जाती क्योंकि मेरे अम्मी अबू नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह पाक उनको जन्नत के आला मकाम पे जगह अता फरमाए, मेरी उनके लिए यही दुआ है। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।